पालिका ने आज वर्ष 2022-23 के लिए 4,910 करोड़ का अपना आर्थिक बजट पेश कर दिया है। मुख्य लेखा अधिकारी धनराज गरड़ ने तमाम विकास योजनाओं के साथ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को नया बजट प्रस्तुत किया है। ऐसी दूसरी बार है जब लोक प्रतिनिधियों के बिना NMMC का बजट पेश हुआ है। इस बार टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो नवी मुंबई करों के लिए राहत की बात है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आज वर्ष 2022-23 का 4,910 करोड़ का आर्थिक बजट पेश कर दिया। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर की उपस्थिति में मुख्य लेखा अधिकारी धनराज गरड़ ने बजट को प्रस्तुत किया। 30 साल के मनपा इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब महापौर एवं लोक प्रतिनिधियों के बिना अधिकारियों द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट के कुछ खास पहलुओं में घनसौली से एरोली तक अधूरे पाम बीच का निर्माण, वासी सेक्टर 17 से कोपरी ब्रिज तक उड़ान पुल, डंपिंग ग्राउंड में बायोगैस प्रोजेक्ट तैयार करना, मोरबे डैम पर 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाना, नवी मुंबई में CCTV नेटवर्क स्थापित करना, मोरबे डैम पर 1.5 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करना और अतिक्रमण रोकने, लिहार प्रणाली एवं मनपा के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ERP रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली विकसित करने की योजना प्रमुख है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज जे आपण बजट बनवलं, हे बजट बनवण्यासाठी बनवण्यापूर्वी सुद्धा विविध सन्माननीय लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत अनेक सूचना देण्यात आल्या होत्या, अनेक विनंत्या करण्यात आल्या होत्या। त्या सर्व सूचनांचा विचार करून त्यातील आवश्यक बाबींचा समावेश अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेला आहे। अशा रीतीने मागील उद्दिष्टपूर्ती करणारं आरंभीची शिल्लक मागच्या वर्षीची 2,205 कोटी आणि 2,591 कोटी जमा असं एकूण मागच्या वर्षीचं 4,797 कोटी रुपयाचं 4,797 करोड लास्ट इयर बजेट आणि चालू वर्षाचं म्हणजे पुढील वर्षाचं 3,443 कोटी जे आपली ओपनिंग बॅलन्स आहे, 3,443 कोटी हा मागच्या वर्षीचा खर्च, अशा पद्धतीचं बजेट आपण कायम करतोय। 2021-22 या वर्षाचं 4,797 कोटी या वर्षाचं या रकमेचं बजेट आपण अंतिम केलेलं आहे। जेव्हा आपण 2022-23 विचार करतो, त्या येत्या वर्षासाठी, आर्थिक वर्षासाठी 1,354 कोटी एवढी ओपनिंग बॅलन्स आणि 4,910 कोटी जमा, अशा पद्धतीने 4,910 कोटीचं बजेट आणि 4,908 कोटी खर्च जर गृहीत धरला तर 1.80 कोटीची शिल्लक, अशा रकमेचं शिल्कीचं अर्थसंकल्प आज मंजूर करण्यात आलेलं आहे। आमच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, जे कामकाज आहे, हे कामकाज जास्तीत जास्त पद्धतीने त्यांच्या अपेक्षेला कसं खरं ठरू शकेल हे करण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न राहतो। बताना जरूरी है कि इस बार के बजट में कोई बड़ी टैक्स बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने इसे लेकर आयुक्त को पहले ही निवेदन दिया था और टैक्स नहीं बढ़ाने की अपील भी की थी, फलस्वरूप कर वृद्धि को टालना पड़ा है। गेली 25 वर्ष घरपट्टी पानीपट्टी वाढवली नाही, माननीय आयुक्तांना मी पत्र दिलेलं आहे की ह्या नोमेन्स लँड आहे, म्हणजे प्रश्नाचे किती प्रशासकाची आज नियंत्रण आहे, या वेळेला तुम्ही कसल्याही प्रकारची घरपट्टीमध्ये किंवा पाणीपट्टीमध्ये वाढ करू नये, आणि केलंच तर त्या ठिकाणी रस्त्यावर आम्हाला उतरावं लागेल, म्हणजे असं असं आता दम देतो कुठे रस्त्यावर उतरायला लागेल, त्या पत्रात करू नये असं मी म्हटलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे ते करणार नाहीत। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।